उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा सरकार का गुणगान किया। केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को मनोहर हेरिटेज में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान व्यापारियों को संबोधित किया। इसके बाद हापुड़ में भाजपा प्रत्याशी विजयपाल आरती के समर्थन में डोर टू डोर वोट मांगे। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने वेस्ट यूपी को दंगे की आग में झोंक दिया। मुजफ्फरनगर की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकार विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। केशव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सुशासन दिया है, आज बेटी बहू और माँ रात को भी कहीं जाए तो सुरक्षित है। दंगे खत्म हो गए और योगी सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी मनमुटाव को छोड़कर भाजपा प्रत्याशी को वोट दो, आपसे वोट का कर्ज मांगने आया हूं, ब्याज समेत अदा करूंगा। इसके बाद डिप्टी सीएम ने जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं यहां पर वोट नहीं, वोट के रूप में 2022 में श्री विजय जी को विजयी बनाने के लिए कर्ज मांगने के लिए आया हूं। और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, केंद्र में विश्व के सबसे प्रभावशाली, सबसे सफल नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आप अगर स्मरण करेंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 जीते थे, लेकिन इस बार हम तीनों सीटों पर कमल खिलाने में सफल हो गए, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और अगर प्रदेश की दृष्टि से चर्चा करूं तो फिर एक बार 300 बार हम 2022 में 2017 की जो विजय है उसको दोहराने का काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले, चाहे गठबंधन के रूप में चाहे अलग अलग, उनके पास कोई विजन नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप नहीं। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडागर्दी, दंगागर्दी, भ्रष्टाचार। और मैं अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और पश्चिम में मैं लोकदल का भी अगर नाम लूं तो यह चारों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं रोक पाए। इसलिए 2022 के चुनाव में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक 2014, 17 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, विपक्ष बौखला गया। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची आप देखिए तो पूरा अपराधियों का एक जमावड़ा हो गया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों की गैंग की तरह इस चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में आया है। लेकिन हमें जनता पर भरोसा है और जनता की एक ही पुकार भी है कि हम 2022 में एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमने प्रदेश का विकास किया, हमने गरीब, मजदूर, किसान के हित में काम किया है।